बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफिस से होंगे। एमएस एक्सेल की एडवांस प्लेलिस्ट का आज हमारा लेक्चर नंबर 46 है, जिसमें हम आपको रो की हाइट सेट करना जो है वो तीन डिफरेंट वेज से सिखाएंगे। सो दोस्तों, फर्स्ट वे ये होता है कि अगर आपने किसी भी रो की एक्सेल के अंदर हाइट जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी हो, तो जिस रो की आपने हाइट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी है, उस रो के नंबर का ये जो बॉटम वाला बॉर्डर है, इस बॉर्डर बॉटम वाले बॉर्डर को पकड़ के ऐसे आप ऊपर टॉप की तरफ मूव करेंगे तो हाइट जो है वो उसकी डिक्रीज़ होगी, और अगर आप बॉटम की तरफ उसे मूव करेंगे तो आपकी जो हाइट है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और ये साथ साथ आपको देख रहे हो, साथ बताता भी है कि आपकी इस वक्त रो की हाइट कितनी हो चुकी है। ये था फर्स्ट वे। सेकेंड वे दोस्तों ये है कि जिसमें मान लो अगर आपने, मैं कंट्रोल जी करता हूँ, मान लो अगर आपने एक से ज़्यादा जो है रोज़ की एक ही साथ हाइट सेट करनी हो, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, जिन रोज़ की हमने हाइट सेट करनी हो एक साथ, उन मल्टीपल रोज़ को आप सेलेक्ट करें। आफ्टर सेलेक्टिंग द मल्टीपल रोज़, देन आपको यहाँ पे होम टैब के अंदर सेल्स वाले सेक्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट का। आप सिंपली फॉर्मेट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक रो हाइट और एक ऑटो फिट रो हाइट। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि जो आपका एम एस एक्सेल है ये खुद ब खुद आपके डाटा के अकॉर्डिंग जो है आपकी तमाम की तमाम सिलेक्टेड रोज की हाइट को खुद ब खुद फिट कर दे, तो उसके लिए आप यहाँ पे ऑटो फिट रो हाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद आपकी तमाम की तमाम डाटा के अकॉर्डिंग जो है रो की हाइट को फिट कर देगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैंने अपनी ये जो मल्टीपल रो सेलेक्ट की हैं, इनकी मैंने हाइट अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो सेट करनी है, तो उसके लिए आप अगेन ये होम टैब के अंदर सेल सेक्शन के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रो हाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप रो हाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इसके अंदर आप दोस्तों अपनी रो की जितनी भी आपने हाइट सेट करनी है वो आप बता सकते हैं। मान लो मैंने कहा 25। अब ये 25 वैल्यू देने के बाद यहाँ से ओके किया तो ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने रो सेलेक्ट की थी उन तमाम की तमाम रोज की हाइट जो है वो एक साथ जो है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ऐसे आप डिक्रीज भी कर सकते हो। अगर आप वैल्यू ये जो आपने फॉर्मेट के अंदर रो हाइट के अंदर ये जो वैल्यू दी है, अगर इस वैल्यू को आप कम करते जाओगे तो हाइट कम होती जाएगी रो की, और अगर आप इसी वैल्यू को बढ़ाते जाओगे तो आपकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ये था दोस्तों दूसरा ऑप्शन। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्या, तीसरा ऑप्शन बताता हूँ। तीसरा ऑप्शन ये है कि मान लो अगर आपने इस पूरी की पूरी जो एक्सेल शीट है, इस पूरी की पूरी एक्सेल शीट की तमाम जो रोज़ हैं उन सब की हाइट एक साथ सेट करनी है, एक जैसी सेट करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ये जो आपको जो शेप दिखाई दे रही है जिसको हम रेक्टेंगल शेप कहते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। रेक्टेंगल शेप पे क्लिक करने के बाद आपके क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी जो एक्सेल शीट है वो सेलेक्ट ऑल हो चुकी है। सेलेक्ट ऑल होने के बाद अब आप यहाँ पे फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाके या तो ऑटो फिट रो हाइट कर लो, ठीक है, या फिर आप रो हाइट पे जाकर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वैल्यू देकर अपनी तमाम की तमाम एक्सेल की जो रोज हैं उनकी हाइट सेट कर लो। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे अगर 50 कहता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं जो मेरी पूरी की पूरी होल एक्सेल शीट थी उन उसकी तमाम की तमाम रोज की जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली सेट हो गई है, इंक्रीज हो गई है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ।